हे जी सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम। आपको पता है ऐसा क्यों कहा हमने? ऐसा मत समझना कि किसी और धाम या किसी और तीर्थ की हम अवहेलना कर रहे हैं, नहीं, सब अपने अपने स्थान पर पूज्य हैं, लेकिन सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम इसलिए है क्योंकि वृंदावन केवल धाम तीर्थ नहीं, वृंदावन तो बिहारी जी का हृदय है प्यारे। जब आप लोग वृंदावन जाओ ना तो ये मत समझा करो कि वृंदावन में किसी तीर्थ की यात्रा पर हम गए हैं या किसी धाम की यात्रा पर हम गए हैं, बल्कि ये सोचा करो कि वृंदावन धाम का बुलावा नहीं आया है बल्कि ठाकुर ने कृपा करके हमें अपने हृदय से लगने का मौका दिया है प्यारे भाव से। सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, जी सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम। अरे कुंज निकुंज में जहाँ विराजे प्यारे श्यामा श्याम मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा मेरा ब्रज धाम है न्यारा, हो मेरा वृंदावन प्यारा मेरा ब्रज धाम है न्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा मेरा ब्रज धाम है। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के कहें यमुना रानी की जय, यमुना रानी की जय, यमुना रानी की जय, यमुना रानी की जय।
हरे श्याम सुंदर यमुने महारानी तेरी सदा ही जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी तेरी सदा ही जय। ओ जहाँ बहती है यमुना रानी जिसकी है नील धारा। जहाँ बहती है यमुना रानी जिसकी है नील धारा। वृंदावन मन से कौन कौन पहुंच रहे हैं जरा हाथ ऊपर उठा के बताओ। और धीरे धीरे यमुना जी की ओर कौन कौन बढ़ रहा है बताओ जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के। बस यही हमें और आपको करना है, जो यहाँ से कहा जाए उसका दर्शन आपको करना है प्यारे, तो आप यहाँ बैठे बैठे वृंदावन पहुंच जाओ, ये प्रयास करो। जहाँ बहती है यमुना रानी जिसकी है नील धारा। जहाँ बहती है यमुना रानी जिसकी है नील धारा। जहाँ बहती है यमुना रानी जिसकी है नील धारा। कण कण में शाम समाए जरा देखो आके नजारा। कण कण में शाम समाए जरा देखो आके नजारा। ओ कण कण में शाम समाए जरा देखो आके नजारा। कण कण में शाम समाए जरा देखो आके नजारा। ओ गली गली में कुंज निकुंज में जहाँ विराजे प्यारे श्यामा श्याम मेरा वृंदावन प्यारा। मेरा ब्रज धाम है प्यारा। मेरा वृंदावन प्यारा। मेरा ब्रज धाम है प्यारा। मेरा वृंदावन प्यारा। मेरा ब्रज धाम है प्यारा। जय हो हरिलाल की। यहाँ लुटता है भंडार। उसकी कृपा का हर पल यहाँ लुटता है भंडार। उसकी कृपा का हर पल जहाँ लुटता है भंडार। हमारे वृंदावन में जो भी जाए ना, ऐसा हो नहीं सकता कि उसे बिहारी जी का प्यार ना मिले प्यारे। जय ऐसा हो नहीं सकता। नदी के किनारे पहुंचने के बाद किसी को शीतल तल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। वृक्ष के नीचे बैठने के बाद किसी को छाया ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। उसी प्रकार वृंदावन आप चाहे भाव से जाओ, चाहे किसी के कहने से जाओ, लेकिन वृंदावन पहुंचने के बाद बिहारी जी का प्यार ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। गली गली में संत जहां, राधा नाम का जहां धन है, ऐसा है वृंदावन। कैसा वृंदावन है जहां गली गली में संत है। आप वहां जाके भजन करो या मत करो, आप वहां जाके माला करो या मत करो, लेकिन आपका भजन अपने आप चलता जा रहा है वहां वृंदावन पहुंचने के। क्यों?
क्योंकि आपके मुख से राधे राधे निकले या ना निकले, लेकिन आपके कानों में राधे राधे जरूर पहुंच रहा है। गली गली में संत यहाँ, राधा नाम का जहाँ धन है। गली गली में संत जहाँ, राधा नाम का जहाँ धन है। और धारा बहे जहाँ प्रेम की प्यारे, ऐसा हमारा वृंदावन है। कृपा का हर पल जहाँ लुटता है भंडार, उसकी कृपा का हर पल यहाँ लुटता है भंडार, उसकी कृपा का हर पल जहाँ लुटता है भंडार, उसकी कृपा का हर पल जहाँ लुटता है भंडार। मिलता है यहाँ पे सबको बांके ठाकुर का प्यार, मिलता है यहाँ पे सबको बांके ठाकुर का प्यार, हो मिलता है यहाँ पे सबको बांके ठाकुर का प्यार, मिलता है यहाँ पे सबको बांके ठाकुर का प्यार। युगल चरण में आके हमको हो, युगल चरण युगल चरण में आके हमको मिल जाए विश्राम। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा। अरे सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, अरे सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम। अरे कुंज निकुंज में जहाँ विराजे प्यारे श्यामा श्याम, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है न्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम। शिव वृंदावन धाम की जय हो। कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल, कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल, ओ कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल, कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल। श्री धाम वृंदावन आप सब जाते हो और आप सबने सुना भी होगा कि आज भी हमारे वृंदावन में महारास होता है, रासलीला होती है रात को निधि वन में। जय हो। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है बताओ? सबने सुना है, लेकिन जो प्रेमी हैं वो तो विश्वास कर लेते हैं, और जिनको उस रस से कोई लेना देना नहीं उनको विश्वास नहीं आता। अरे ये तो 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण हुए थे, क्या आज भी रासलीला होती होगी वृंदावन? सब कहने सुनने की बात है, सब कहने सुनने की बात है, लेकिन प्यारे वृंदावन, जब तक वृंदावन के रस को हम प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक वृंदावन के किसी रसिक संत की कृपा हम पर ना हो, तब तक उस रस को प्राप्त नहीं कर सकते। और वृंदावन देखना तो दूर की बात है, वृंदावन की कल्पना भी इस मन में नहीं हो सकती जब तक कृपा ना हो। हाँ, वृंदावन को देखना हो तो वृंदावन किसी संत के नेत्रों से देखो प्यारे,
वृंदावन किसी रसिक के नेत्रों से देखो, वृंदावन किसी वैष्णव की आंखों से देखो, जब देखना आज भी वृंदावन में तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देगी, आज भी वृंदावन में प्रिया जी के नुपुर की ध्वनि सुनाई देगी, आज भी वृंदावन में माखन चोरी का आनंद आपको मिल जाएगा। लेकिन जब मिलेगा, जब वृंदावन किसी संत किसी रसिक वैष्णव की दी हुई दृष्टि से देखो। आप एक बात बताओ, उदाहरण के लिए आप सब श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनते हैं। दसम स्कंद में जब भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होता है और जब कोई भी वक्ता हो वो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण कराते हैं तो उस समय केवल आपको लीला सुनाई देती है कि ऐसा लगता है लीला आंखों के सामने चल रही है, लगता है ना कि सामने ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं। बस यही अंतर है। वृंदावन पहुंचने के बाद वृंदावन के किसी रसिक संत वैष्णव का आश्रय ले लो और फिर जब वो हाथ पकड़ के आपको वृंदावन दिखाए ना, तब देखना वृंदावन का सुख और वृंदावन का रस प्यारे, उस वृंदावन का दर्शन ही कुछ और होता है। फिर आइए, हो कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल, कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल। कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल, कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल। एक बार दोनों हाथ उठाएं बिल्कुल सीधे। निकुंज में बेराजे घन श्याम राधे राधे, 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 घन श्याम राधे राधे गोपाल राधे राधे, श्याम राधे राधे गोपाल राधे राधे, घन श्याम राधे राधे गोपाल राधे राधे, राधे राधे गोपाल राधे राधे। हो कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल, कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल। और जब वो मीठी बांसुरी की तान आपके कानों में सुनाई देने लगे, तब समझना कि मेरे ठाकुर की कृपा हो रही है। जय। और फिर बस उसी धुन में खो जाना। और हो कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल, कहीं बंसी की धुन बाजे, कहीं छम छम बाजे पायल। हो प्याला इस रस का पीकर तू हो जइयो रे पागल, प्याला इस रस का पीकर तू हो जइयो रे पागल, हो प्याला इस रस का पीकर तू हो जइयो रे पागल, प्याला इस रस का पीकर तू हो जइयो रे पागल। चित्र विचित्र का ब्रज भूमि को हो, चित्र विचित्र का ब्रज भूमि को कोट कोट प्रणाम। मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है प्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है प्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा आनंद लेते हुए गाएं। अरे सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, अरे सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम। अरे कुंज निकुंज में जहाँ विराजे प्यारे श्यामा श्याम, मेरा वृंदावन प्यारा, मेरा ब्रज धाम है प्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा,
केवल हमारा ही वृंदावन प्यारा है या आप सबके लिए वृंदावन प्यारा है? जय। तो जरा दोनों भुजा उठा के कह दो एक बार। अरे सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम। अरे कुंज निकुंज में जहाँ विराजे प्यारे श्यामा श्याम, मेरा वृंदावन प्यारा मेरा ब्रज धाम है न्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा मेरा ब्रज धाम है न्यारा, मेरा वृंदावन प्यारा मेरा ब्रज। और दोनों हाथ उठा के गाएं, अरे जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन, अरे मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, अरे जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन की नवल नागरी प्यारे नटवर नागर नंद नंदन, प्यारे नटवर नागर नंद नंदन, प्यारे नटवर नागर नंद नंदन, प्राणेश्वरी प्राणेश प्राणेश्वरी प्राणेश तुम्हें है प्यारे सदा हमारा अभिवंदन, प्यारे सदा हमारा अभिवंदन, प्यारे सदा हमारा अभिवंदन, है सत्चित आनंद तस्वीर तेरी, है सत्चित आनंद तस्वीर तेरी, सितारों में फैली है 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 तस्वीर तेरी, ये चांद सूरज हे जी, ये चांद सूरज सब तेरे सहारे, नमस्कार प्यारी नमस्कार प्यारे, नमस्कार प्यारी नमस्कार प्यारे, नमस्कार प्यारी नमस्कार प्यारे, नमस्कार प्यारी नमस्कार प्यारे, तो जरा दोनों हाथ उठा के गाएं, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, अरे जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन। वरहा पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है, आपको हम बताएं, प्रकट रूप से भी हम जिस वृंदावन का दर्शन करते हैं ना प्यारे, वो वृंदावन भी इस धरती पर नहीं है। जय। इस बात को ध्यान से रखना, जिस वृंदावन में हम और आप प्रवेश करते हैं ना जाते हैं, वो वृंदावन भी इस धरती पर नहीं है। ऐसा हमने ब्रज के संतों के मुख से सुना है कि भयंकर जलाशय के बीच में एक नील कमल है और उस कमल के ऊपर ये वृंदावन बसा हुआ है। वरहा पुराण में एक कथा आती है, जब हिरण्याक्ष इस पृथ्वी का हरण करके पाताल में ले गया तो भगवान को वरहा रूप में अवतार लेना पड़ा। आप सब जानते हो हिरण्याक्ष ने मलमूत्र का घेरा चारों तरफ लगा दिया था, तो भगवान ने वरहा रूप का अवतार लिया और वरहा रूप धारण करके भगवान पाताल में गए।
और पृथ्वी को मुक्त करा के हिरण्याक्ष का उद्धार करके जब पृथ्वी को अपने दांतों पर लेकर आए और जब पृथ्वी ऊपर निकली तो पृथ्वी ने ऊपर निकल के देखा क्या कि सामने एक बहुत सुंदर बाग महक रहा है, दिव्य लताएं हैं, तेज पुंज स्थापित हैं, बहुत सुंदर बगीचा एक महक रहा है। तो पृथ्वी ने ठाकुर जी से कहा, प्यारे एक बात तो बताओ, मैं पृथ्वी हरण करके हिरण्याक्ष पाताल में ले गया था तो ये सुंदर सा बगीचा कहां से आया? जब मैं पाताल में थी तो बगीचा यहां कहां से आ गया? तब ठाकुर जी ने कहा, पृथ्वी तुझे मालूम नहीं ये क्या है? पृथ्वी ने कहा, नहीं प्रभु मुझे नहीं मालूम ये क्या है। तब ठाकुर जी ने कहा, पृथ्वी तेरा हरण करके पाताल में हिरण्याक्ष ले गया था, लेकिन जिस बगीचे की तू बात कर रही है ना, ये कोई और नहीं, ये साक्षात मेरा वृंदावन है, ये साक्षात मेरा वृंदावन है। और ठाकुर जी भी मस्त होके दोनों हाथ उठा के कहने लगे भाव से, ओ जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, अरे जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन। स्वर्ग में कहां ए जी, स्वर्ग में कहां मधुर ध्वनि राधे राधे की, स्वर्ग में कहां कुंज कलित विराम है, स्वर्ग में कहां कुंज कलित विराम है, स्वर्ग में कहां कुंज कलित विराम है, स्वर्ग में कहां भीड़ गोपी ग्वाल ग्वालन की, हे जी स्वर्ग में कहां भीड़ गोपी ग्वाल ग्वालन की, स्वर्ग में कहां पुलिनियम ना विराम है, स्वर्ग में कहां पुलिनियम ना विराम है, स्वर्ग में कहां पुलिनियम ना विराम है, स्वर्ग में सरस ब्रज भाषा का प्रचार कहां, भैया स्वर्ग में सरस ब्रज भाषा का प्रचार कहां, और स्वर्ग में कहां माखन चोर घनश्याम है, स्वर्ग में कहां माखन चोर घनश्याम है, स्वर्ग में कहां माखन चोर घनश्याम है, स्वर्ग में कहां, स्वर्ग में कहां अमित इतना सुख अपार कहां, स्वर्ग में कहां, स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहां, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरो वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरो वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरो वृंदावन धाम है, ओ जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन आयो प्यारे, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन दोनों हाथ उठा के, जय वृंदावन आयो सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, पुकारो सब धामों से धाम निराला श्री वृंदावन धाम, कुंज निकुंज में जहां विराजे प्यारे श्यामा श्याम मेरा वृंदावन प्यारा,
मेरा ब्रज अरे दोनों हाथ उठा के कहो प्यारे मेरा वृंदावन प्यारा मेरा ब्रज धाम है न्यारा ओ मेरा वृंदावन प्यारा मेरा ब्रज धाम है न्यारा मेरा वृंदावन प्यारा मेरा ब्रज धाम है जय जय एक बार सभी प्रेम से बोलें बोलिए श्री हरिदास थोड़ा जोर से बोलें एक बार और बोलें थोड़ा और प्रेम से बोलें